हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। दोस्तों, 1 से 7 जून 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज मैं आपको साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। या रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और वैश्विक साझेदार हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका, रजत पदक। अगला क्वेश्चन है, किसने 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल जीता है? राइट आंसर है चेल्सी। याद रखिएगा, चेल्सी ने पुर्तगाल के पोर्टो में एस्टाडियो डो डेग्रो में 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर इस खिताब को जीता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, UAE सरकार ने किस बॉलीवुड अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? राइट आंसर है दोस्तों, संजय दत्त। या रखिएगा, गोल्डन वीजा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालीन निवास प्रदान करती है। रिपोर्ट के अनुसार संजय दत्त गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले मुख्य धारक हैं। दोस्तों, वीजा की वैधता 5 से 10 साल होती है। अगला क्वेश्चन है, किसने लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक एक पुस्तक को लिखा है? आंसर है सलमान रुश्दी। कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं? इंपॉर्टेंट आंसर रहेगा दोस्तों, तो इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है झांग होंग। क्या नाम है? झांग होंग। चीन के झांग होंग ने नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए। अगला क्वेश्चन है, रेमंड लिमिटेड ने अपने रियल एस्टेट कारोबार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? आंसर है हरमोहन साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे IBF यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है विक्रमजीत सेन। याद रखिएगा, IBF का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किए जाने की घोषणा भी कर दी गई है। किसने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है दोस्तों पूजा रानी। याद रखिएगा, दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गत चैंपियन पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वर्ग महिला में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, 31 मई 2021 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है 296वीं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है रवि शास्त्री। दोस्तों, रवि शास्त्री भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं। 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड किसने जीता है? आंसर है फायर इन द माउंटेन्स। किसने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? आंसर है IFFCO यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने। दोस्तों, दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है IIFCO ने। याद रखेगा, IFFCO द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार भारत में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित अपनी 50वीं वार्षिक आम सभा में दुनिया की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी
1924 टू 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है विक्रम संपत। याद रखिएगा दोस्तों, ये इस किताब का दूसरा समापन खंड है। किसे मैग्मा फिन कॉर्प लिमिटेड ने कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर है आदार पूनावाला। दोस्तों, मुंबई स्थित एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी मैग्मा फिन कॉर्प ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदार पूनावाला को कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए स्मार्ट विंडो डिजाइन की है? आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है जो एक लागू वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। यह सामग्री इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित करने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एमबी टैग उपकरण को विकसित किया है? राइट आंसर है आईआईटी रोपड़। दोस्तों, ये एक ऐसा उपकरण है जो टीकों, शारीरिक अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान तापमान को रिकॉर्ड करता है। बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसके राइटर हैं विनोद कपाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दंपतियों को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी है? आंसर है इसका चीन। कौन एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय बना है? आंसर है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो भारतीय रेलवे क्षेत्र के लिए मानक निर्धारित करता है, केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश का पहला मानक निकाय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे? सही आंसर रहेगा अरुण कुमार मिश्रा। भारत के संजीत कुमार ने एएसबीसी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर रहे स्वर्ण पदक। किसने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका प्रदीप चंद्रन नायर। किसने बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है NCPCR। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उन बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज को तैयार किया है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। पोर्टल का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उनकी पेशी से लेकर उनके माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदारों तक बच्चों की वापसी तक ट्रैक करना इसका उद्देश्य है। किसने नई पुस्तक ऑल यू नीड इज जोस को लिखा है? आंसर है सुप्रिया पॉल। किसने स्वास्थ्य योजनाओं के डिजिटल संस्करण को लॉन्च किया है? आंसर है हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। 2 जून 2021 को तेलंगाना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर है आठवां। याद रखिएगा, 2 जून 2021 को तेलंगाना के 8वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में इसी दिन आधिकारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया था। किसे 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्टरनेस कांग्रेस में एशिया ओसिनिया प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत के नागराज अडिगा। किसे CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है डॉक्टर विनय के नंदीकुरी। दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी हैं और याद रखिएगा, और DBT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली में ये एक वैज्ञानिक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसराइल देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है इशाक हरजोंग। दोस्तों, उन्होंने रूवेन रिवलिन को रिप्लेस किया है।
किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर है पैट्रिक अमोथ। दोस्तों, केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को एक वर्ष की अवधि के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये केन्या के हैं। और साथ ही साथ आप याद रखिएगा, केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केन्याई सीलिंग। व्हाट्सएप ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है परेश बी लाल। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है चीन। दोस्तों, 14 से 16 अक्टूबर 2021 को बीजिंग चीन में इसे आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर केंद्रित करने के अवसर से इसे आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? आंसर है RS सोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों, इसमें बुर्नेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माताओं और प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना और खतरे की खुफिया जानकारी को साझा करना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेनाएं सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए स्काई गार्डियंस फर्स्ट अभ्यास में भाग ले रही हैं? आंसर है पाकिस्तान और मिस्र। 2 सप्ताह तक चलने वाला संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास जो 26 मई 2021 को काहिरा में शुरू हुआ था, हवाई क्षेत्र में मौजूदा और उभरते खतरों का सामना करने के लिए मजबूत और प्रशिक्षण पर ये केंद्रित है। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में छात्राओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है? आंसर है बिहार। किसने शुक्र के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों नासा। याद रखिएगा, ये 2028 और 2030 के बीच लॉन्च किए जाएंगे। हाल ही में SB प्रसाद का 2 जून 2021 को COVID-19 के कारण निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव। नीति आयोग के तीसरे SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्यों के इंडेक्स में, इंडिया इंडेक्स में 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर है केरल। दोस्तों, याद रखिएगा, केरल तीसरे स्थान पर, तीसरे संस्करण में शीर्ष स्थान पर है, जबकि बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला इसे राज्य घोषित किया गया है। किसे? बिहार को। दोस्तों, यह सूचकांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। किसने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर है केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। फेसबुक इंक ने किसे अपना नया मुख्य व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है मार्ने लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर काइल जेमिसन को गेमर्स कैप 2021 संस्करण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है न्यूजीलैंड। दोस्तों, गेमर्स कैप एक ऐसा पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसे खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? आंसर है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। याद रखिएगा, उन्हें 1980 के दशक के मॉरिशस आर्थिक चमत्कार का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, राइड हेलिंग ऐप ओला ने किसे अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर है GR अरुण कुमार को। किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू में दोहरा शतक बनाया है? सही आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे। वायुसेना मुख्यालय में अगले वॉइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है विवेक राम चौधरी को। किस देश के कृत्रिम सूरज ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर है चीन। दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल करने वाले चीन के प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टेड, जिसका नाम है
टोकामक ने 101 सेकंड के लिए 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर चलने के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इसका स्टॉप अटैक्स ऑन चिल्ड्रन। याद रखिएगा, इस दिवस को 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है री इमेजिन, री क्रिएट, री स्टोर। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? आंसर है नितिन राकेश और जेरी विंड ने। कौन मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्माइज के बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो आंसर है इसका HDFC बैंक के पूर्व CEO और MD आदित्य पुरी। 3 लाख करोड़ मार्केट कैप वाली तीसरी IT कंपनी कौन बनी है? आंसर है विप्रो। दोस्तों, इसके साथ ही इन्फोसिस और TCS के बाद विप्रो ने यह उपलब्धि हासिल कर तीसरी भारतीय फर्म बन गई है। किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को जीता है? आंसर है डेविड डियोप। याद रखिएगा, ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। दोस्तों, डेविड डियोप द्वारा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक ने 5 अन्य फाइनलिस्ट को हराकर इस पुरस्कार को जीता है। किसे डिजिटल बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DB&T का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश नंबियार। दोस्तों, वे मेलकम फ्रैंक की जगह लेंगे। किस राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? राइट आंसर है इसका उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 5 नए डायलिसिस केंद्र स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। इन्हें बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में अंकुर भाटिया का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है वर्ल्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक। दोस्तों, इम्पोर्टेंट नाम है ये, याद रखिएगा। गुरुग्राम के MBS मॉल में भारत का पहला प्राकृतिक और बारहमासी इंडोर आइस स्केटिंग रिंक और कैफे आइस स्केट लॉन्च करने का इन्हें श्रेय दिया जाता है। गूगल ने किसके साथ देशों के स्कूल के लिए लर्निंग सॉल्यूशन पेश करने के लिए एक समझौता किया है? आंसर है बायजूस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 साल से बढ़ाकर कितना करने का फैसला लिया है? आंसर है आजीवन। TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अभिषेक बैनर्जी। याद रखिएगा, TMC सांसद पार्टी सुप्रीमो ममता बैनर्जी के ये भतीजे हैं और अभिषेक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुब्रतो बख्शी की जगह लेंगे। किस राज्य ने वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? आंसर है उत्तर प्रदेश ने। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के रूप में नियुक्त किया? आंसर है मीनाक्षी गोपीनाथ और सैलिस नायक। किस राज्य ने सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? आंसर है राजस्थान। दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसने विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? आंसर है नरेंद्र मोदी। महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क को स्थापित करना है। किसने निवेशक शिक्षा संरक्षण कोष प्राधिकरण की हिसाब की किताब का शुभारंभ किया है? तो आंसर है हमारा वर्तमान केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। हाल ही में नरेंद्र बरागटा का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है वरिष्ठ भाजपा विधायक, हिमाचल प्रदेश के थे। दोस्तों, ये वरिष्ठ भाजपा विधायक और इनका COVID-19 के कारण निधन हो गया। किस राज्य की पुलिस ने राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया है? आंसर है उत्तराखंड।
इस पहल के तहत थाना, चौकी, बाहिनी और पुलिस लाइन में 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाने की घोषणा की गई। यह अभियान 16 जुलाई 2021 को आने वाले हरेला उत्सव तक जारी रहेगा। किस राज्य सरकार ने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा दिया है? आंसर है इसका गुजरात। किस राज्य ने शिक्षुता संवर्धन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों, आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।